अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ना, इनस मैं फिर से लिखूंगा इसको, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा से डिनोट करें या ओमेगा टी से भी डिनोट करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिमिट, ठीक है ना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। ये जो आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ओमेगा टी जो आएगा वो आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं सेपरेट, डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ एक निश्चित टाइम पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लो हमें एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पर जो है इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर, और ओमेगा का वैल्यू है 5 रेडियन पर सेकंड, कितना है 5 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का वैल्यू कितना दिख रहा है 5 रेडियन पर सेकंड। अब क्या है, टाइम हम जब चेक करते हैं तो एट टी इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकंड, 2 सेकंड पर 5 रेडियन पर सेकंड। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो है 15 रेडियन पर सेकंड से मूव कर, रेडियन पर सेकंड, और टाइम जो दिया है वो 3 सेकंड टू 10 सेकंड दिया, टाइम क्या दिया है 3 सेकंड टू 10 सेकंड। 3 सेकंड टू 10 सेकंड का क्या मतलब हुआ समझो, यानी कि ये जो वेलोसिटी हमारा नहीं कौन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जिसको हमें ये तो होगा नहीं बट हम ऐसा सोच रहे हैं, तो इसमें क्या है देखो ये जो है टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ, मतलब 3 सेकेंड पर 15 है या 4 सेकेंड पर 15 है या 8 सेकेंड पर 15 है ये हमें नहीं पता चल रहा, एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया 3 टू 10 सेकेंड। तो ये तो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है इसका, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है टीच कल टू 2 सेकेंड, यानी एक फिक्स टाइम है इसका, क्या फिक्स टाइम है, एक पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है टीच कल टू 2 सेकेंड, इसलिए यह जो वेलोसिटी होगा वह कहला सकता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बट ये नहीं होगा क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल दिया, फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम हमको इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें क्या है फिक्स्ड है, इसलिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हमें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है ना, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर से, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है भाई। तो हम यहाँ लिखेंगे ओमेगा आर इक्वल टू वी आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। इसका मतलब समझा, हमने क्या बताया था पिछले क्लास में वी इक्वल टू ओमेगा बताए थे, तो यहां से हमने क्या किया ओमेगा निकाल लिया, क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, ये परपेंडिकुलर लेना है, ये भी परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है ये लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका एक एप्लीकेशन से देखते हैं, एक एग्जांपल से हमको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। एग्जांपल यहाँ लिखिए, बहुत सिंपल है एग्जांपल, और ये है एग्जांपल फर्स्ट, है ना, एग्जांपल फर्स्ट। हम क्या करते हैं यहाँ एक पार्टिकल ले लेते हैं ए, और एक जो है यहाँ है बी, ठीक है भाई। अब ये जो है कुछ वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा होगा मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का हम मान लेते हैं एल, जो है डिस्टेंस ए और बी। अभी वी वेलोसिटी सिस्टम जा रहा है, इसका दो कंपोनेंट आए, कैसे दिखाते हैं हम, देखो वेक्टर में पढ़े हैं, एक बात ध्यान रखना, ये अगर मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस,
इसमें इस प्लेन में कोई वेक्टर एक है और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट आए, पहला ये कैसे याद रखना, जिस लाइन के साथ दिख रहे हो, जिस लाइन के साथ, ये लाइन दिख रहा है ना, एक्स वाई लाइन दिख रही है, इस लाइन के साथ वेक्टर ए एंगल बना रहा है। तो वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो भाई ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और जब कॉस का हमको पता हो गया तो हम क्या करेंगे, साइन कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए साइन थीटा, इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा कैसे हुआ बताया हमने, कि जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो हो जाएगा कॉस के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। यार तो उसी इसी कांसेप्ट पर हम इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, यानी ये इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा ये हो जाएगा। साथ ही साथ इधर जो हो जाएगा क्या, ठीक है, इधर हो जाएगा वी साइन थीटा, देख रहे वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। या क्या हमको, अब हमको लिखना हो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मैं लिखेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में यदि हमको लेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं, हम लिखेंगे डब्ल्यू बी ए, ओमेगा बी। ओमेगा बी का मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमें क्या लिखना होगा, वी बी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और डिवाइडेड बाई आर परपेंडिकुलर, ये लिखना होगा। तो वी बी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम क्या लिखे, वी और बी का परपेंडिकुलर क्या दिखा, वी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना, इसका बी का एक रिस्पेक्ट में और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया बी का एक रिस्पेक्ट में, यानी आ गया वी साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे वी बी ए मतलब वी साइन थीटा, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर एल दिख रहा है तो जाएगा एल, ठीक है ना, ये आ जाएगा ओमेगा बी ए, क्या जाएगा ओमेगा बी, ठीक है ना। मतलब ओमेगा बी का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। चलो एक और एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लो, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है कि मान लो एग्जाम्पल दो, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब यार हमारे पास क्या है, इस तरह का सिचुएशन, ए बी है और ये क्या है ए, ठीक है। ये कुछ मान लेते हैं कि वी वन वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा, और ये कुछ हम मान लेते हैं कि वी टू वेलोसिटी से इधर मूव, ठीक है। और ये हमने क्या करना है कि ये जो कुछ एंगल बना रहा होगा हम इसको मान लेते हैं थीटा वन, क्या मान लिया थीटा वन, और ये भी कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा होगा इसको मान लेते हैं थीटा टू, ठीक है ना, थीटा टू मान लो। अब हमारे पास क्या आएगा, सब हमारे पास क्या आएगा, अब हमें क्या करना होगा, हमने बताया था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें चाहिए, तो पहले इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, जो हमने वेक्टर वाला तरीका बताया कि जिसके साथ एंगल बनाएगा, देख लो वी वन किस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा वी वन कॉस थीटा, हो जाएगा वी वन कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर जो हो जाएगा वी वन साइन थीटा, ये हो जाएगा, इधर हो गया वी वन कॉस थीटा, इधर हो गया वी वन साइन थीटा। उसी तरह से ये जो आएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि इस प्लेन में नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल है, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ वी टू इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा वी टू कॉस थीटा, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा वी टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा वी टू कॉस थीटा, हो जाएगा वी टू साइन थीटा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या, इधर वी वन कॉस थीटा, इधर वी वन साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर
velocity of point B, with respect to A, point A. क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, ओमेगा बी ए इक्वल टू वी बी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय आर परपेंडिकुलर. ठीक है, यहां से हम कुछ इसका लेंथ मान लेते हैं और लेंथ हो जाएगा इसका एल, इसका कुछ सेपरेशन रहा होगा, हम एल मान. ठीक है ना, ये चीज है. तो हमको क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी को पहले लिखना. देखो हमने पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में लेना उसको माइनस करना है. जैसे यहाँ मैं एक चीज लिख देता हूँ, ध्यान हो जाएगा. जैसे हमारे पास वी बी ए हो, वी बी ए लिखना, इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, ए के विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में लेना. तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको माइनस कर दें, इसको लिखना होगा तो वी बी माइनस वी ऐसे लिखना. याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में लेना है, ए के रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट में लेंगे तो ए को माइनस करेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे वी बी माइनस वी, इसलिए हमने यहाँ लिखा वी बी माइनस. तो उसी तरह तुमको क्या करना है, देखो हमको किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एक के रिस्पेक्ट. तो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ए का परपेंडिकुलर माइनस होगा, जैसे यहाँ हमने किया. देखो तो यहाँ बी का परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, वी टू साइन थीटा टू है ना, यहाँ टू मान लेते हैं थीटा टू है ना, तो हो जाएगा वी टू साइन थीटा टू माइनस, और ए के लिए क्या है देखो वी वन साइन थीटा वन, सॉरी यहाँ देखो थीटा वन मिस हो रहा, इसको थीटा वन में थीटा कर लिया, सही कर लेना. तो वी वन साइन थीटा वन, ठीक है ना, साइन थीटा वन और डिवाइडेड बाय आर परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, एल, तो हो जाएगा एल. तो ओमेगा बी ए का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना, वो ये आएगा. मतलब यहां हमने क्या किया, वी बी ए मतलब बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ए को माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में लेना है और जिसके रिस्पेक्ट में लेना होता है उसको माइनस करते हैं. तो वी टू साइन थीटा टू माइनस वी वन साइन थीटा वन अपॉन ए रिजल्ट आ जाएगा. हमें उम्मीद है ये पूरी तरह समझ में आ गया. ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड में. थर्ड में क्या है समझ, इस तरह से ये जो है बी है और ये ए है, या जो पार्टिकल है कुछ वी वन वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, इस प्लेन में जा रहा है, और ये कुछ इस प्लेन में जा रहा है वी टू, है ना. तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा मान लेते हैं थीटा वन, और ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं थीटा, है ना, थीटा वन और थीटा, और ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन दिख रहा है एल है, क्या है, एल, ने लिख लिया. ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है. देखो यहाँ जिसके साथ एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ एंगल, तो क्या हो जाएगा वी वन कॉस थीटा वन, और इसके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा वी वन साइन थीटा वन. ठीक है ना, उसी तरह इसका एक कंपोनेंट हमारा इधर आ जाएगा वी टू कॉस थीटा टू, वी टू कॉस थीटा, और कॉस के परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन, जाएगा वी टू साइन थीटा. ठीक है, वी वन देखो वी वन कॉस, सॉरी वी टू, वी टू कॉस इसके साथ एंगल बना रहा था वी टू, ये देखो ए मैंने कंपोनेंट थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि इस प्लेन में तो है ही नहीं, जिस प्लेन में है उस प्लेन में लेना पड़ेगा, इस प्लेन में है ना, तो ए डाउनवर्ड आ जाएगा, कैसे आ जाएगा वी टू कॉस थीटा, देख रहा हूँ, क्योंकि ए इस प्लेन में है, इस प्लेन में ना वी टू इस प्लेन में है, तो एक कंपोनेंट इधर तो एक कंपोनेंट इधर आना चाहिए, वी वन इस प्लेन में तो एक कंपोनेंट इधर तो एक कंपोनेंट इधर आना चाहिए, इस तरह से हम लिख, ठीक है, यानी हमने कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लिया. अब हमको लिखना होगा डब्ल्यू बी ए लिखना, ओमेगा बी, तो क्या लिखेंगे वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर परपेंडिकुलर. तो वी बी ए क्या लिखेंगे, बी में से मतलब बी जो दिया है उसमें से को माइनस करना है, बोलो तो बी कितना है बताओ, बी ए है और इसका वेलोसिटी हमारा क्या है वी वन साइन थीटा माइनस, और ए जो हो जाएगा माइनस वी टू,
साइन थीटा टू, ठीक है ना, माइनस वी टू साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई ये जो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है एल लिखेंगे। एक्चुअली ये कैसे हो रहा है, देखो यहाँ जो था हमारे पास जिससे मैंने बताया इसके रिस्पेक्ट में यहाँ ले रहे हैं, यहाँ तो एक के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, देखो यहाँ एक के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो किसको माइनस करना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास देखो यहाँ क्या है, वी वन साइन थीटा वन और माइनस ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, वी टू कॉस थीटा टू, तो हमने लिखा वी टू कॉस थीटा ए माइनस। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा ए माइनस कहाँ से आया, ए माइनस इसलिए आया कि हमने साइन कन्वेंशन दिया, कैसे देखो इधर पॉजिटिव लेते हैं तो इधर क्या लेना होगा नेगेटिव, ठीक है ना, तो पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव होगा, तो वी वन साइन थीटा वन पॉजिटिव होगी, और ए डाउनवर्ड तो ए निगेटिव लेना पड़ेगा, तो हम लिखा माइनस माइनस वी टू साइन थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी वन साइन थीटा वन प्लस वी टू साइन थीटा और डिवाइड बाय क्या है एल डिवाइड बाय, तो डब्ल्यू भी वो फिर से मैं लिखता हूँ इसको, डब्ल्यू बी है ना, ये रिलेशन आ गया, हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, किराए की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, ठीक है, ए पार्टिकल देखो यहां क्या है कि मैंने लिखा है पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी वी, देन फाइंड द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, मतलब सेंटर के रिस्पेक्ट हमको रिलेटिव चाहिए और साथ में डायगोनली अपोजिट, ये पॉइंट जो है डायगोनली अपोजिट इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसा हमें सोचना है, समझो लिखते हैं, ऐसा हमें सोचना है कि ये जो है वी वेलोसिटी से इधर चल रहा है, जस्ट अभी स्टार्ट किया होगा रोटेशन, तो वी वेलोसिटी से इधर रोटेट कर रहा है, तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट अभी रोटेट नहीं किया होगा, इसको अपन मान सकते हैं वी सी इजकल टू जीरो, साथ ही साथ इसको मान सकते हैं वी बी इजकल टू जीरो, ठीक है, ये अभी जस्ट स्टार्ट करना है, अभी रोटेट किया नहीं है, तभी हमको पूछ रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में बताइए, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखो तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आएगा वी वेलोसिटी वी, फाइंड द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर के रिस्पेक्ट, यानी हम यहाँ लिखेंगे ओमेगा ए सी, है ना, ओमेगा ए सी को लिख सकते हैं वी ए सी परपेंडिकुलर अपॉन आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वी ए सी क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी सी डिवाइड बाई आर परपेंडिकुलर, तो वी ए क्या है, वी ए पॉइंट पर तो वेलोसिटी वी है भाई, सी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, R परपेंडिकुलर, तो R परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस क्या है R, तो R ये आ जाता है V अपॉन R, ये रिलेशन एक है, साथ ही साथ अब देखो अब हमसे पूछ रहा है कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट होता है, डायगोनली अपोजिट क्या दिख रहा है, AB, तो हमारे पास क्या होगा, A B के रिस्पेक्ट हम लोग निकालेंगे, तो ओमेगा A, एक मिनट, तो देखो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो ओमेगा ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं वी ए बी अपॉन आर परपेंडिकुलर, है ना, चलो वी ए का वेलोसिटी तो हमको दिया हुआ है वी माइनस बी का, तो हो जाएगा हमेशा लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, अब देखो आर परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस ए बी, तो आर होगा ना, टोटल कितना हो जाएगा टू आर, हो जाएगा भाई टू आर, है ना, तो अब देखो वी ए का मतलब वी माइनस जीरो अपॉन टू आर, मतलब हो जाएगा वी अपॉन टू आर, है ना, ये यही हमसे पूछ रहा था कि सी के रिस्पेक्ट में बताइए और बी के रिस्पेक्ट में बताइए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेशियो पूछे तो आराम से हो जाएगा ना, फिर
बोलो कैसे? ए सी अपॉन ओमेगा ए बी। ए सी को क्या लिख सकते हो बताओ? बी अपॉन आर और डिवाइड बी अपॉन टू आर। तो ए बी अपॉन आर बी अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा, टू तो ऊपर चला जाएगा तो टू इज टू वन आ जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो पूछता है तो, पूछ नहीं रहा था हमने बता दिया, रेशियो पूछेगा डिवाइड कर दो सिंपल। ठीक है, हमें उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार इसको चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज, लीनियर क्वांटिटीज करने कोई दिक्कत टू एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी लीनियर में कैसे होंगे, एंगुलर सेम रहेंगे, कुछ चीजें चेंज होंगी उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बहुत ही सिंपल है, बात करते हैं सबसे पहले। क्वांटिटी की जगह मोशन लिखने से ज्यादा अच्छा नहीं, लीनियर मोशन और क्या है एंगुलर मोशन, है ना, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या क्या चेंज होगा देखो, जो एस पहले था वो इसमें हो जाएगा थीटा, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से यू जो है इनिशियल एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी था, इसमें हो जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, ये चेंज होगा। साथ ही साथ जो यहाँ वी था यू की जगह ओमेगा नॉट मान, है ना, और यहाँ जो वी था ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन था भाई ये हो जाएगा अल्फा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। मतलब जहाँ इसको क्या बोलते थे, इसको इसको बोलते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या बोलते बोलेंगे बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, इसको एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, उसी तरह फाइनल लीनियर वेलोसिटी और हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, हो जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन, हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो ये चीजें चेंज होंगी। ठीक है भाई, हम लोग देखते हैं क्या कैसे करना है। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग, हम लोग देखते हैं यहाँ लिखेंगे लीनियर मोशन, यहाँ लिखते हैं लीनियर मोशन। ठीक है ना, और यहाँ से और हो जाएगा एंगुलर मोशन, तो कॉलम बनाते हैं एंगुलर मोशन। ठीक है ना, अब इसको हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे तो एक याद रहेगा तो दूसरा भी लगभग लगभग याद हो जाता है। तो पहला हम लोगों के पास, ठीक है, इनर्शिया, इनर्शिया जो होता है वो किसके प्रपोर्शन होता है, मास के, हमने बताया था लीनियर मोशन। इसमें जो इनर्शिया होगा वो किसके प्रपोर्शनल होगा, तो आई के, इसको आई, आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमारा आता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम बी। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे इसी में फर्स्ट पॉइंट इसका था, सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल लिखते हैं इसको, इसे आप पी लिखे थे ना यहाँ एल, एल इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, जैसे यहाँ लीनियर में पी लिखते थे इसमें भी मोमेंटम होगा, बट इसको एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है नोट हो गया होगा, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड, थर्ड पॉइंट हमारा था, ठीक है ना, और वो है फोर्स,
फोर्स कहां से मिलता है, सेकंड लॉ से। फोर्स की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्सटर्नल, क्या लिखते हैं एफ एक्सटर्नल, क्या रहा था डीपी अपॉन डीटी, हम लोग न्यूटन लॉ में पढ़ चुके हैं ना डीपी अपॉन डीटी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी एम वी अपॉन डीटी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं एम डी वी अपॉन डीटी प्लस वी डीएम अपॉन डीटी, एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है। अब इसमें दो कंडीशन बनते हैं, पहला तो ये बनेगा कि भाई अगर मास कांस्टेंट हो जाए, व्हेन एम इज कांस्टेंट, यदि मास कांस्टेंट हो तो क्या बनेगा, एफ एक्सटर्नल जो आएगा वो आ जाएगा, मास कांस्टेंट हो गया तो डी एम अपॉन डी टी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का एम क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा ना। एफ एक्सटर्नल हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस जीरो आ जाएगा, हो जाएगा एम और डी वी अपॉन डी टी को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा ये तो यही आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसी में हम लिख लेते हैं थर्टी पॉइंट में, इफ इफ वी इज कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट है ना, यदि वी कॉन्स्टेंट है, जैसे हम एम कॉन्स्टेंट था वी को कॉन्स्टेंट मान लें, तो ए वाला टर्म देखो वी तो कॉन्स्टेंट हो गया तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ जीरो दिखेगा ना, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ एक्सटर्नल इस केस में आ जाएगा वी डीएम अपॉन डीटी, ये रिलेशन आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना है जब मास कॉन्स्टेंट रहेगा तो ए वाला टर्म आएगा, और जब वी कॉन्स्टेंट रहेगा तो ए टर्म, ठीक है। अब उसी तरह से ये तो लीनियर की बात होगी, हम लोग न्यूटन में इसको पढ़े भी हैं, अब हम एंगुलर में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एंगुलर में हम लिखेंगे जहां फोर्स था वहां लिखेंगे टॉर्क, टॉर्क को टाउ टू नोट करते हैं टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू होगा डीएल अपॉन डीटी, टॉर्क एक्सटर्नल जो होगा हो जाएगा डीएल अपॉन डीटी, और एल का वैल्यू भी हमने बताया क्या लिखते हैं आई ओमेगा, हम लिख सकते हैं डी अपॉन डीटी इन टू आई ओमेगा, वेक्टर फॉर्म में रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टॉर्क वेक्टर दे दो ओमेगा वेक्टर कोई दिक्कत नहीं, हम मैग्नीट्यूड ले कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो हम लिखेंगे टॉर्क एक्सटर्नल, क्या लिख सकते हैं बताओ, ऐसा करते हैं इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा डी आई अपॉन डी टी। अब हमको उम्मीद है कि सबको डिफ्रेंशिएशन आता होगा तो ये समझ में आ रहा होगा, हम बता भी देते हैं यहाँ u इंटू वी के फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो एक को कॉन्स्टेंट मान लिया तो बाहर हो गया, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। प्लस अब ओमेगा को कॉन्स्टेंट मानना तो i को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये तो टॉर्क का, जैसे यहाँ फोर्स का जो रिलेशन आया था वैसे यहाँ टॉर्क का रिलेशन आएगा। अब हम मान लेते हैं कि जो है वो ये कॉन्स्टेंट है, जैसे मान लेते हैं व्हेन व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई मान लेते हैं, लिख लेते हैं आई को, यदि हम कॉन्स्टेंट मान लें तो क्या होगा, व्हेन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आई जब कॉन्स्टेंट होगा तो ए टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क जो आ जाएगा एक्सटर्नल आ जाएगा आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ए टर्म तो जीरो हो जाएगा, एक तो ए रिलेशन आ गया, ठीक है भाई। दूसरा है व्हेन व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टॉर्क एक्सटर्नल जो आ जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिख लूंगा, टॉर्क एक्सटर्नल जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, तो ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा तो ए टर्म जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा डी आई अपॉन ए रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे अगला जो टर्म है वो है वर्क, ठीक है। तो वर्क जो होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी एस, ये हो जाएगा एफ इंटू डी एस, ये हो जाएगा। इसमें जो वर्क होता है, ठीक है, इसमें जो वर्क होगा एंगुलर में फोर्थ पॉइंट में, वर्क इज इक्वल टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से फाइव, ठीक है, फाइव में देख सकते, फाइव में क्या है, और तो
हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे, यदि एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हो, है ना, व्हेन एक्स वाई और जेड आर वेरिएबल, ठीक है, तीनों वेरिएबल, उस केस में क्या आएगा हमारे पास वर्क डन जो आएगा, यहां जो आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू, ठीक है ना, प्लस एफ वाई डी वाई वाई वन टू वाई टू, प्लस एफ जेड डी जेड जेड वन टू जेड जेड वन, इसको ध्यान रखना जेड वन जेड वन। अगर उसी तरह से हम इसमें देखें फाइव में, तो ये जो आ जाएगा वर्क डन टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क इनटू डी थीटा, कहां से कहां थीटा वन टू थीटा, ऐसे कर लेंगे। यदि टॉर्क वेरिएबल है हमारे पास, टॉर्क वेरिएबल है तो इस केस में ये कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे, एक चीज यहां जोड़ देते हैं, व्हेन एफ एक्स वाई जेड, मतलब फोर्स क्या लिखते हैं, व्हेन फोर्स होना चाहिए, फोर्स एफ एक्स वाई जेड के टर्म में दिया हो, जेड एक्स वाई जेड है, तब एक हम लोग फार्मूला यूज करें, और टॉर्क जब वेरिएबल होगा तो इसमें ये फार्मूला यूज करें। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सिक्स हम लोग देख लेते हैं, पावर, ठीक है ना, पावर, पावर को हम लोग क्या लिखेंगे, पावर को लिखेंगे पी इज कल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये लिखते हैं, इसी को हम लोग एफ इंटू वी भी लिखते हैं, पावर को ये भी रिलेशन होता है, और इसमें यदि हम पावर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बोलो, सिक्स में पावर को लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, यहाँ ओमेगा क्या है, ये वर्क डन है, ध्यान रखना, यहाँ ये वर्क डन, ये वर्क डन है, वर्क डन है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इनटू ओमेगा, इस केस एंगुलर में, जैसे हमने लीनियर में फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखा था, यहाँ टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो भी पॉइंट सिक्स सेवन देख लेते हैं, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट होगा सेवन, सेवन में जो होगा वो होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये हमने बताया वर्क एनर्जी में, या इसी को लिख सकते हैं हाफ पी वी, ये तीनों होते हैं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला हम लोगों के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, यह हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू आई, देखो ना एम की जगह होता है आई, पी की जगह होता है इज इक्वल टू हाफ
एल ओमेगा, ये हो जाएगा हाफ एल ओमेगा। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे एट्थ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लिनियर मोमेंटम। तो ये एकदम होता है इफ इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो हो तो डीपी अपॉन डीटी क्या हो जाता है, जीरो। कैसे लिख लेते हैं, डीपी अपॉन डीटी ये जीरो होता है, इसको हटाते हैं यहाँ से। और हमको पता ही है इफ एक्सटर्नल इस केस में जीरो होगा तभी कंजर्व होगा, तो डीपी अपॉन डीटी। तो यहाँ पी इक्वल टू क्या आ जाता है, कांस्टेंट। पी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होगा, ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर। यह बात समझ में आ गई। लॉ ऑफ एंगुलर, यहाँ लिखेंगे एट्थ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे कि टॉर्क जो है एक्सटर्नल यदि जीरो हो जाए, इफ देन, हम जानते हैं टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है डी एल अपॉन डी टी। तो ये जीरो हो जाएगा तो डी एल अपॉन डी टी ये आ जाएगा रिलेशन। ये क्या शो कर रहा है, डी एल अपॉन डी टी जीरो का मतलब एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ऐसा तब होगा जब टॉर्क जो है जीरो होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला जो पॉइंट हम लोगों का देखते हैं एट्थ के बाद नाइन्थ है ना, नाइन्थ में लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़े हैं वर्क पावर एनर्जी में। तो क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। तो ये आएगा इस केस में, ठीक है ना। अच्छा अभी से हम लोग बात करें नाइन्थ में, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखे तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो यहां भी वही होगा, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां जो होगा ना ये रोटेशनल के लिए होगा, रोटेशनल प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया, दोनों का सेम है, यहाँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमें उम्मीद है इसको जो है ना एक दो बार आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करोगे तो ये कंपैरिजन वाली रिलेशन आ जाएगी अपने आप, है ना, एक कंपैरिजन वाली रिलेशन अपने आप। एक पेज जो है ये वाली पेज मिस हो गई, लिख नहीं पाया, कोई नहीं, आप नेक्स्ट पेज करके चेक कर लो, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ट हम लोग, ये रिलेशन हो गया दोनों के बीच, है ना, अब इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन बच गए, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। बहुत अच्छा, ऐसा करते हैं क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना।